Hey guys, Manus Perry goes violent. Welcome back to my channel and आज हूँ मैं बड़ा excited क्योंकि दोस्तों हम लोग आए हैं आज Royal Enfield के शोरूम में एंड यस हमेशा की तरह आज हम लोग यार यहाँ की सारी Royal Enfield को उड़ा के निकल लेंगे। सो चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपनी हम लोग ऐसा आराम से बाइक पार्क कर देते हैं एंड चलते हैं शोरूम के अंदर। हमेशा की तरह एज अ नॉर्मल कस्टमर हम लोग चलेंगे, किसी को भी अपन पे शक नहीं होना चाहिए। एंड यार चलो देखते हैं सबसे पहले यार बाइक कौन कौन सी यहाँ पे, कौन कौन सी Royal Enfield यहाँ पे बिकती है। एंड ऑल राइट गाइस, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक खड़ी है एक Royal Enfield की क्लासिक बुलेट, अच्छी लग रही है। इसके बाद दोस्तों है यहाँ पे एक और रॉयल एनफील्ड क्लासिक बुलेट व्हाइट प्लस ब्लैक कलर में, ये भी मस्त लग रही है। देन एक और क्लासिक बुलेट है यार, यहाँ बुलेट ही बुलेट मिल रही है लगता है, लेकिन ये वाली यार बुलेट थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये आर्मी एडिशन बुलेट है। इसमें देखो आर्मी वाला कलर है एंड यार मस्त लग रही है। उसके बाद देखिए और कितनी बुलेट है। अरे नहीं नहीं नहीं, और बुलेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तो यार वो है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी। यार ये वाली बाइक 650 cc की बाइक है, बहुत महंगी आती है। एंड इसके बाद यहाँ पे एक रेड कलर की कॉन्टिनेंटल जीटी 650 भी है, बढ़िया है। एक व्हाइट कलर में एक रेड कलर में, सही है यार, कलेक्शन मेरे को अच्छा लगा यहाँ का। सो चलो यार सबसे पहले हम लोग मैनेजर जी के पास चलते हैं एंड यार टेस्ट ड्राइव की डिमांड करते हैं। मैनेजर जी, यार ये मैनेजर जी तो लगता है बिजी हैं। इसके बाद ये वाले मैनेजर जी भी यार बात कर रहे हैं मैडम जी से एंड यार ये वाले मैनेजर जी बात कर रहे हैं, भाई सारे बिजी हैं यार। अब यार कोई भी मैनेजर खाली नहीं है, सो हम लोग को लगता है लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। चलो यहीं पे खड़े हो जाते हैं, पीछे इनकी बातचीत खत्म हो उसके बाद अपना नंबर आया मैनेजर जी से टेस्ट ड्राइव लेने का। चाचा यही बुलेट लेते हैं, नीली रंग की मस्त लग रही है। हाँ बट ये है तो बढ़िया, लेकिन यार ये मैनेजर हम लोग को लूट रहा है, क्या किया जाए। अरे चाचा ऐसे लुटेरों को तो पीट देना चाहिए। भतीजे लग तो हमें भी यही रहा है, करना यही पड़ेगा। तो मैनेजर जी चुपचाप सही दाम लगाओ इस बुलेट के, वरना फालतू में पिल पिला जाओगे। अरे सर एकदम सही दाम लगा रहे हैं यार, ये बुलेट 2.5 lakh की आती तो 2.5 lakh की तो बेचेंगे। आप दे रहे हो 25,000, 25,000 में बुलेट थोड़ी बेच पाऊंगा मैं यार, मेरी नौकरी भी चली जाएगी अगर मैंने इतने कम में आपको बुलेट बेची तो। अब नौकरी जाए ना जाए तुम्हारी जान जरूर चली जाएगी अगर तुमने हमें 25,000 में बुलेट नहीं बेची। तुम जानते नहीं हो मेरे भतीजे को 300 किलो का है ये, जिसके ऊपर बैठ जाता है वो दुनिया से उठ जाता है। लगता है तुम्हें डेमो दिखाना ही पड़ेगा। इस मैनेजर के ऊपर बैठो जरा। हाँ चाचा बैठ रहे। वही मैनेजर ले लिया तेरे पर बैठू मैं। अरे नहीं भैया ऐसा मत करो यार, मेरे को मत मारा। ओहो गाइस यार यहाँ पे बाइक नहीं बेची जा रही है, यहाँ पे तो मैनेजर जी को धमकी दी जा रही है, भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। यार ऐसा करते हैं चाचा भतीजा की वाट लगाते हैं तो ये मैनेजर जी हम पे भरोसा करने लगेंगे, फिर हम लोग आराम से टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी। सो ओए चाचा भतीजा हट, तुम्हारी ऐसी तैसी मोटू हट। अबे लाल कबूतर धक्का का शेडिया ढूंढे। ओए भतीजे इसके ऊपर बैठ जा, इस लाल कबूतर के पास कचुम्बर बना दे। हाँ चाचा बैठ रहा। अबे जा बे, तू मेरे ऊपर बैठेगा, हट तुम्हारी। चाचा पेल दिया है। ए भतीजे बच के। ओए लाल कबूतर काय को परेशान कर रहा है हम दोनों को, तू जानता भी हम दोनों कौन है। सब जानता हूँ बेटे मैं, बेचारे हमारे भोले भाले मासूम से मैनेजर जी को तुम लोग सालो धमकी दे रहे हो, उनको पेल के बाइक सस्ते में लेना चाहते हो। हट तुम्हारी ऐसी तैसी, मैं बता रहा हूँ चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बता रहा हूँ दोनों के दोनों को पेल दूंगा। निकलो यहाँ से, निकल जाओ फटाक से, फालतू में पिट जाओगे तुम लोग, दौड़ दौड़ के तुम लोग को पटक पटक के मारूंगा। चाचा यहाँ से निकलते हैं यार, ये बड़ा खतरनाक आदमी लगता है। हाँ भतीजे यहाँ से निकलते हैं। ओए भतीजे चलो, पागल आदमी है यार ये, यहाँ से निकलो इससे पहले हमको और धक्का दे दे के मार डाले। फालतू में यार तुम्हारी चाची विधवा हो जाएंगी इसके चक्कर में। चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। हाँ चाचा चलो चलो, और हम बोले थे यार एक पिज्जा दिला दो। अबे कितना खाएगा मोटे, मेरा बैंक बैलेंस खाली हो गया तेरे को खिलाने के चक्कर में। ऑलराइट ठीक है। तो मैनेजर जी देखो मैंने दोनों को भगा दिया, अब आप चिल हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब वो वापस नहीं आने वाले, मैंने उनको अच्छे से डराया है। अरे वाह थैंक यू भैया थैंक यू, अगर आप आज ना होते तो मेरा तो कचुम्बड़ बन जाता, वो मोटा मेरे ऊपर बैठ जाता। अरे कोई ना, यू आर सेफ नाउ। एंड हाँ तो यार मैनेजर जी मैं बोल रहा था यार, यहाँ बेसिकली मैं बताएं आपके शोरूम में बाइक सी देखने आया था, मेरे को यार एक नई एनफील्ड चाहिए थी रॉयल एनफील्ड। एंड यार यार ये वाली बुलेट मेरे को अच्छी लग रही है यार, ये जो नीली वाली बाइक है, तो यार मैं बोल रहा था यार एक क्विक टेस्ट ड्राइव मिल सकती है क्या इस बुलेट की। अरे हाँ क्यों नहीं सर, जरूर मिलेगी, आपने मेरी जान बचाई, इसके बदले एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव तो मैं आपको दिला ही सकता हूँ। आइए सर बैठिए सर, बाइक में बैठिए। अरे वाह थैंक यू मैनेजर जी, लेट मी सिट ऑन द बाइक एंड या। हाँ जी सर जी मैं भी बैठ जाता हूँ, वेरी गुड। अब चलिए सर बाइक बाहर निकालिए। हाँ हाँ किधर से निकालना है। उधर से सर, उधर से। अच्छा इधर से, ऑल राइट ठीक है, यहाँ से निकालते हैं बाइक एंड ओके ओके। चलो अब सर चलाई जाए बुलेट, बढ़िया चलाई जाए एंड ओके। यार बढ़िया चल रही है यार, स्पीड बहुत है यार बुलेट में। अरे सर बुलेट है अच्छी तो चलेगी सर। हाँ यार है तो मस्त, एक बार चले यार व्हीली भी मार के देख लेते हैं। नॉट बैड, बढ़िया यार व्हीली बढ़िया मार रही है, बढ़िया यार मेरे को बढ़िया लगी। अरे वाह बहुत अच्छी बात है सर, तो आप लेंगे सर ये बाइक। अरे जरूर लेंगे, काय को नहीं लेंगे। चलो चलते हैं यार शोरूम में चलते हैं एंड या मैं आपको पैसा देता हूँ, आप मेरे को बाइक दो, डील फाइनल करते हैं। हाँ सर चलिए सर। ऑलराइट मैनेजर जी लेट्स गो चलते हैं। अरे सर ये क्या है, क्या हो गया। अरे सर ये कुत्ता है, कुत्ता मेरे पीछे, कुत्ता बढ़ गया। अरे सर बाइक
जल्दी भगाओ, ये कुत्ता मेरे को काट लेगा यार, मेरे पिछवाड़े भी काट लेगा सर। यार जल्दी भगाओ बाइक यार, बहुत तेज भाग के आ रहा है यार ये कुत्ता तो। भाओ, अरे सर जल्दी भागो। अरे भाई वो आता रहेगा यार, कुत्तों की आदत होती है, जब तक हम लोग बाइक भगाएंगे ना ये आता रहेगा कुत्ता। इन कुत्तों को रोकने का एक ही तरीका होता है, बाइक को जरा किनारे साइड में लगाना पड़ेगा। अरे सर भाई वो आ रहा है, कुत्ता काट लेगा हमें। अरे रुको तो कुछ नहीं करेगा, ये देखो एकदम शांत हो गया, हमारे पास आया है, लेकिन देख रहे कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कितना शांत है। एंड ये क्या यार, एकदम गीला गीला क्यों लग रहा है सीट में। अरे सर यार कुत्ता देख के डर लग गया हमें, तो पैंट गीली हो गई। अरे मैनेजर जी क्या कर रहे हो यार, है नहीं तो पैंट पे सूसू कर दी भाई, वो देखो कितना अच्छा कुत्ता है। अरे सर अच्छा नहीं है सर, डर लग रहा है, वो हमें काट लेगा, इसकी शक्ल देखो यार सर जी कितना खतरनाक है ये। अरे खतरनाक का है, एकदम बेचारा मासूम है। अल्ले ले ले। अरे सर इसके पास मत जाओ, काट लेगा आपको भी। अबे नहीं काटेगा यार, तो आओ आओ मैनेजर जी आओ। अरे हम नहीं आ रहे सर। अरे तो फिर हम लोग जाएंगे कैसे यार, ये तो पीछा पीछे पड़े रहेगा, इसको शांत कराने के लिए आपको एक बार इसके सर पे हाथ फहराना पड़ेगा। नहीं सर ऐसा मत करो। करना तो पड़ेगा सर, आइए आइए निकलिए, सीट से निकलिए, आइए इसके पास आइए। अरे सर डर लग रहा है। अबे करो यार, वरना वो हम लोग को जाने नहीं देगा, वरना वो भागता रहेगा हमारी बाइक के पीछे, और भागते भागते कोई गारंटी नहीं सही में आपके पिछवाड़े में न काट ले। नहीं सर। हाँ तो ऐसा ना चाहते हो तो इस पहले डॉगी को हेलो बोल दो, तो शांत हो जाइए। अच्छा सर ठीक है ठीक है, जा रहे डॉगी के पास। ओए डॉगी कुछ करना नहीं यार प्लीज, कुछ नहीं करना। अल्ले ले ले डॉगी, अल्ले ले ले। अरे भैया ये तो आवाजें निकाल रहा है। अरे डरो मत यार मैनेजर, ऐसे ही करते हैं डॉगी, बिल्कुल ऐसे चिल मारो। अच्छा हाँ डोंट वरी मैनेजर, कुछ नहीं करेगा ये डॉगी तुमको, कुछ भी नहीं करेगा। भाव भाव भाव। अरे सर क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है? अरे पार्ट डाला भाई, क्या कर रहे हो डॉगी? भाव 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 भाव। पार्ट डाला भाई, काट के रख दिया। वेरी गुड चॉप, वेरी गुड, बिल्कुल प्लान के हिसाब से काम किया यार चॉप ने। यस गाइस यार ये पूरा मेरा प्लान ही था, मैंने शुरू ही से चॉप को वहाँ खड़ा करके रखा था मैनेजर जी के ऊपर अटैक बनवाने के लिए। एंड ऐसा काटा मिछवाड़े में मैनेजर जी के चॉप ने कि यार मैनेजर जी बेहोशी हो लिए। वाह भाई वाह, सही है यार, अपने लिए तो बढ़िया ही है। सो ठीक है यार चॉप तुम घर जाओ, मैं भी यार बाइक को घर ही ले जा रहा हूँ। एंड ऐसा चलो दोस्तों इस बुलेट को हम लोग जल्दी से घर में खड़ी करके आते हैं। एंड यार फिर नेक्स्ट बाइक लेने चलते हैं, लेट्स गो। एंड हाँ बाय द गाइस, अगर अभी तक तुम लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर कर लेना यार, ऐसी मस्त वीडियोस पोस्ट करते रहता हूं। एंड ऑल्सो लाइक भी कर देना इस वीडियो को। एंड या लेट्स गो। ऑलराइट तो गाइस वी आर बैक इन द शोरूम। एंड या इस मैर मैं थोड़े कपड़े वपड़े बदल के आया हूं, थोड़ी हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया है जानबूझकर, ताकि यार मैं ज्यादा पहचान में ना हूं। एंड या सो चलो यार दूसरे मैनेजर को पकड़ते हैं, फिर से टेस्ट ड्राइव लेते हैं। एंड यार अभी भी यार ये दोनों के दोनों मैनेजर्स बिजी हैं, देखो। अबे यार बड़ा बिजी शोरूम है यार ये, हमेशा यहां पे मैनेजर्स बिजी रहते हैं। खैर कोई ना, अपन भी यार फिर से लाइन में लग जाते हैं, यहीं पे खड़े रहते हैं इन वाले मैनेजर के पास, जैसे ही खाली होंगे फिर हम लोग इनसे बात करते हैं। ओके तो मैनेजर जी इसमें एवरेज कितनी मिल जाती है इस बुलेट में? अरे मैडम जी बहुत बढ़िया एवरेज निकलती है, 30-35 की तो आराम से निकल जाती है बिना किसी दिक्कत के। ओके नाइस नाइस। हाँ हाँ बढ़िया ये मैडम जी, तो बताइए यार आपके पति कब आएंगे यार इस बाइक को देखने? पति कौन पति, मेरा कोई पति नहीं, आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। अच्छा इसी बात है, तो ये बाइक आप काय के लिए देख रही है? अरे अपने लिए देख रही हूँ, और किसके लिए देख रही हूँ मैनेजर जी? अच्छा मैडम जी ऐसी बात, आप बुलेट चला लेती हो यार, ये तो काफी अचंभे वाली बात है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है मैनेजर, कि मैं लड़की हूँ तो बाइक नहीं चला पाऊंगी, मैं केवल स्कूटी चला पाऊंगी, रेसिस्ट कहेंगे? अरे रेसिस्ट नहीं मैडम जी, वो सेक्सिस्ट होता है, और आप गलत समझ रही है मैडम जी, ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा शौक हो गया, क्योंकि कभी कोई बुलेट यहाँ पे कोई लड़की खरीदने नहीं आती ना इसलिए। मैनेजर तुम जैसे लड़कों की वजह से लॉस सैंटोस की लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही, तुम सब लड़कियों की आवाज दबाना चाहते हो, उनको कुछ करना नहीं देना चाहते। अरे अरे नहीं मैडम जी, मैं तो वुमेन की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझे गलत समझ रही है। झूठे मैनेजर, रेसिस्ट कहेंगे तेरी ऐसी तैसी। भैया ये क्या बट्टे में जिया मैडम जी, तुम जैसे रेसिस्ट के शोरूम से मैं बाइक नहीं ले सकती, लड़कियों की आवाज दबाने वाले बदतमीज लोगों के यहाँ से मैं बाइक कैसे लूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मैडम जी वो रेसिस्ट नहीं सेक्सिस्ट होता है। अरे मैडम जी चले गए यार, उनको छोड़ो, आप अपना ख्याल रखो यार, आपके हाल ठीक नहीं लग रहे। अरे नहीं नहीं ठीक है यार, एक चाटे से थोड़ी हम ढेर हो जाएंगे, रुको हमें उठने दो। कैसे कैसे लोग आजकल लॉस सैंटोस में घूम रहे हैं, खैर इनको छोड़ो यार। सर आप बताओ यार, आप यहाँ पे काय को घूम रहे हो? अरे सर वो मेरे को एक यार वो रॉयल एनफील्ड लेनी थी यार, वो जो आपके यहाँ रेड कलर की कॉन्टिनेंटल जीटी नहीं है वो वही मेरे को लेनी थी, तो मैं बोल रहा था यार एक बार टेस्ट ड्राइव मिल जाती तो काम बन जाता। हाँ ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, चलिए दिला देते हैं आपको टेस्ट ड्राइव। ठीक है हाँ चलो चले, कॉन्टिनेंटल जीटी में बैठे, बाइक में चाबी तो लगी है, सही है। हाँ सर हम भी बैठ जा रहे हैं। हाँ चलो बैठ गए, चलो चले सर। चलिए यार इसकी अच्छे से टेस्ट ड्राइव लेते हैं। एंड नाइस यार काफी ज्यादा ये इसमें भी स्पीड है, बुलेट जैसी पावर है इसमें भी है। एंड यार लुक में बड़ी शानदार लग रही है भाई, क्योंकि
यार इसमें देखो यार डुअल साइलेंसर लगे हैं, दो दो साइलेंसर्स लगे हैं, मस्त लग रही है यार। चलो सर अब चलते हैं यार शोरूम में, मेरे को बाइक बढ़िया लगी इसको खरीद लेता हूँ। अरे अरे वेरी गुड सर, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, बहुत बढ़िया बाइक है ये। हाँ जी मैनेजर जी, सो चलो चलते हैं शोरूम में। हाँ हाँ चलो चलो। एंड लेकिन सर ये कहाँ से ले जा रहे हो, पहाड़ में काय ले जा रहे हो बाइक को? अरे सर यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है ना। अच्छा ऐसी बात है? हाँ सर ऐसी ही बात है, डोंट वरी यार। अरे 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 क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे सर क्या हो गया? अबे यार पेट्रोल खत्म हो गया यार। मैनेजर जी यार बाइक्स में पेट्रोल तो डाल के रखा करो यार। अरे अरे सर जी सॉरी यार। अरे अरे गिर गए हम तो। अरे भाई साहब सही हो आप? हाँ सही है, लगता है मैं स्टैंड लगाना भूल गया था, बाइक गलती से गिर गई। अरे हाँ कोई ना कोई ना। हाँ तो यार मैनेजर जी मैं बोल रहा था यार पेट्रोल खत्म हो गया बाइक में, अब अपन ऐसे तो जा नहीं पाएंगे यार, पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ उसकी तो जरूरत पड़ेगी, बात तो सही है। कोई ना सर जी ऐसा करता हूँ मैं फोन मिलाता हूँ, फोन मिला के अपने कलीग से बोल देता हूँ, वो ले आएगा यहाँ पे पेट्रोल। हाँ ठीक है बोल दो फोन मिला के। हाँ सर बस एक मिनट देना बस यार, जरा फोन मिलाया जाए, फोन निकाले। ये लो भाई मिला लिया फोन। हाँ सर मिलाओ मिलाओ, मिला रहे हैं बस ये फोन नहीं उठा रहा है, क्या चक्कर है यार फोन ही नहीं उठा रहा है, कैसा आदमी यार। हाँ पता नहीं यार कैसा आदमी है। एंड ये तो यार मार डाला सर जी, ये क्या बट्टे भेजी थी। सॉरी मैनेजर जी लेकिन बाइक की चोरी करने के लिए इतना तो पेलना पड़ेगा ही आपको। अच्छे से सर बेहोश हो जाओ आप, क्योंकि अपन जा रहा है बाइक लेके जा रहा है अपनी कॉन्टिनेंटल जीती, अपने घर में खड़ी करने जा रहा है। सो गाइस लेट्स गो यार, अपने अपन ने अपनी सेकंड रॉयल एनफील्ड भी स्टील कर ली, मजा आ गया। अब चल यार मैं इसको भी जल्दी से घर में खड़ी करके आता हूँ, फिर दोस्तों चलते हैं हम लोग अपनी थर्ड रॉयल एनफील्ड को स्टील करने। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस वी आर बैक इन द शोरूम, एंड इस बार बताएं मैं टेस्ट ड्राइव टेक्निक नहीं यूज करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों दो शोरूम के हम लोग ने मैनेजर्स को तो ढेर कर ही दिया है, तो बताएं ज्यादा अभी कोई सिक्योरिटी वगैरह है नहीं। देखो अभी भी एक जो आखिरी मैनेजर है वो अभी भी कस्टमर के साथ बिजी है, तो यार ये देखो ये वाला एरिया पूरा खाली है भाई, कोई नहीं हम लोग को रोकने के लिए। अगर हम लोग बताएं बाइक में बैठ जाए और बाइक को बाहर निकल ले तो काम बन जाएगा। एंड बाइक में ऑलरेडी चाबी तो ऑलरेडी लगी हुई है, ये देखो लगी हुई है, सो यार कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ऐसा करूंगा मैं उधर से ना जाने के बजाय मैं सीधा दरवाजे के साइड से निकल लूंगा, सो और आसानी रहेगी। सो गाइस ऐसे ही करते हैं, क्विक एंड इजी मेथड बाइक चोरी करने का, 3 2 1 एंड बाइक में बैठते हैं एंड भाग लेते हैं। निकल भाई भाग 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 फ्रैंकलिन भाग, पीछे मत देखना पीछे मत देखना। मैं भाई भाग रहा हूँ फुल स्पीड में भाग रहा हूँ भाई, मैंने भाई देखा ही नहीं यार मैनेजर आ रहा है पीछे, नहीं आ रहा है कोई, आ रहा है नहीं आ रहा है, बस भाई बाइक को भाग के निकल लिया। एंड यार इसी के साथ हम लोग ने अपनी थर्ड रॉयल एनफील्ड बुलेट भी स्टील कर ली। एंड यार ये वाली बताएं बुलेट मेरे को काफी अच्छी लग रही है यार, वो ये ब्लू वाली जो थी ना यार वो उतनी मेरे को कूल नहीं लगी थी, लेकिन ये वाली व्हाइट एंड ब्लैक कलर में कसम से बड़ी बैडास लग रही है। तुम लोग कैसी लग रही है यार कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एंड यार चलो यार इसको भी मैं घर में खड़ी करके आता हूँ, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ बुलेट लेने। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस वी आर अगेन बैक इन द शोरूम, एंड बताएं इस बार मैं बन के आया हूँ फर्जी पुलिस वाला। अब क्योंकि देखो भाई पिछली बार हम लोग ने खुल्लम खुल्ला बाइक स्टील करी थी, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी मैनेजर यार पुलिस को ही बुलाएगा, एंड अभी तक यार कोई पुलिस तो आई नहीं है शोरूम में, तो मतलब कि हम लोग नकली पुलिस बन के जा सकते हैं एंड फिर से मैनेजर को लल्लू बना सकते हैं। तो वही करने के लिए आ चुके हैं हम लोग मैनेजर के पास। एंड ये देखो भाई वो रहा मैनेजर, वो देखो यार रोज ऐसा रहा है बेचारा, बड़ा टेंशन में है, देखो कैसे मुंह बना रहा है। सो यार चलो एक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। हेलो सर आप ही यहाँ के शोरूम के मैनेजर है? हाँ सर हम ही शोरूम के मैनेजर है, और सर बड़ा कांड हो गया सर। हाँ बताइए बताइए खुल के बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे सर कैसे बताऊँ यार, मेरी आंखों के सामने एक पीली रंग की शर्ट पहना हुआ बंदा मेरी शोरूम की एक बाइक को चोरी करके भाग लिया यार। हमारे शोरूम के मालिक जी को पता चल गया तो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। भैया प्लीज आप कुछ करो, बाइक को ढूंढो प्लीज। सर चिंता मत करिए सर, व्हेन लॉस एंड टॉस की पुलिस इज हियर देन नोबडी इज देयर, मैं ढूंढ दूंगा आपकी बाइक को, बस मेरे को जरा आप ये प्लीज बताइए कि आपकी जो बाइक है वो कैसे चोरी हुई थी। अरे सर बस वो बंदा स्पीड में आया था, बाइक में बैठा था। एक मिनट रुकिएगा, बाइक में बैठा था ना? हाँ सर। तो एक सेकंड मेरे को वो चीज को रिक्रिएट करना पड़ेगा उस सीन को। सो या मैं भी बैठ जाता हूँ बाइक में, इस वाली बाइक में बैठ जाता हूँ। और ओके सर आप फिर से बताइए उसके बाद क्या किया था उस बंदे ने। अरे सर उसके बाद उसने बाइक को आगे बढ़ाया और स्पीड में बिना पीछे देखते हुए सामने वाले गेट से भाग के निकल गया। अच्छा ओके, तो मतलब ऐसे करके वो बाइक ले गया होगा ऐसे गेट के पास ना? हाँ सर ऐसे ही ले गया था। अच्छा तो उसके बाद फिर उसने यहाँ से फुल एक्सलेटर मारा होगा और यहाँ से फिर भाग के निकल गया होगा वो। बाय बाय मैनेजर जी, बाय बाय। लल्लू बना दिया गाइस हम लोग ने, क्या लल्लू बनाया मैनेजर को, मजा आ गया यार। इसी के साथ हम लोग ने अपनी फोर्थ रॉयल एनफील्ड स्टील कर ली। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो यार इसको भी मैं खड़ी करके आता हूँ घर में, फिर अपन अपनी लास्ट फिनाले रॉयल एनफील्ड लेने चलती है। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस वी आर बैक इन द शोरूम, एंड इस बार हम लोग केवल अकेले नहीं आए हैं, हम लोग के पहले ही असली वाली पुलिस भी आ चुकी है। तो यार ये पुलिस की ड्रेस भी काम नहीं करेगी भाई, असली पुलिस वाले हम लोग को 2 मिनट में पहचान लेंगे कि हम लोग नकली पुलिस वाले हैं। सो यार गाइस
अब कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा अगर हम लोग को बाइक चोरी करनी है। यार बाइक तो जस्ट पीछे ही है, लेकिन यार शोरूम की एंट्री इधर से है। लेकिन यार एक एंट्री पीछे से भी तो है। अरे हाँ भाई, जहाँ से हम लोग बार बार बाइक ले जा रहे थे वो तो पीछे से है ना। यस माय बॉयज, यार ये वाली एंट्री इधर से हम लोग बाइक ले जा रहे थे ना, ये वाली एंट्री तो है ना पीछे से, एंड इस साइड से तो कोई भी नहीं है। लेट्स गो। आ गए दोस्तों हम लोग बाइक के पास, एंड वो बेवकूफ मैनेजर और पुलिस वाले अभी तक हम लोग को नहीं देख पाए। वेरी गुड यार, अब आराम से हम लोग बाइक पे बैठते हैं एंड बाइक को भगा के निकल लेते हैं। हट जाओ तुम लोग, कैसी मैं जा रहा हूँ। अपुन जा रहा है अपनी आखिरी एनफील्ड लेके, रॉयल एनफील्ड। लेट्स गो, मजा आ गई दोस्तों। अब गाइस फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हारी सबसे ज्यादा फेवरेट रॉयल एनफील्ड कौन सी थी जो हम लोग ने स्टील करी। ये आर्मी एडिशन बुलेट थी या वो पुरानी वाली बुलेट या कॉन्टिनेंटल जीटी, जो भी थी यार मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो ये भी बताना दोस्तों कौन से बाइक शोरूम में नेक्स्ट मेरे को डाका डालना चाहिए, जरूर से बताना। एंड बस दिस इज वेरी गोस वाइल्ड यार, मिलता हूँ तुम सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।